घोसड़ी ने कहा अंडू बधिया को दिखाता ही नहीं, लाओ बड़े मालिक अलमारी से जुड़ा एक बोतल निकाल ले, बोतल ले आओ। अलमारी से नहीं, अलमारी से अलमारी। ठाकुर आज क्या देख रहा हूं कि सामने से भाभी और बेटी आ रही है, सामने से भाभी आ रही है और बेटी भी आ रही है, ज्योति। हाँ थोड़ी थोड़ी पी लिया जाए, थोड़ी थोड़ी जब तक भाभी आए तब तक थोड़ी थोड़ी पी लिया जाए, क्यों ठाकुर? आपको कुछ खबर तो है नहीं कि महल में क्या हो है, और तुम यहाँ कचहरी में आकर के दारू पीते हो, कभी नहीं पता है आपको, पता नहीं है जन्मदिन मेरी बेटी और जन्मदिन हर समय का ताची आप ही क्या करें? ज्योती आप का कर प्यारे पिता, आप का कर आप का कर प्यारे पिता, लाखों कांद जला है तो दरबार दे, उनको सौगंध में उसे छोड़ दो, मेरे अच्छे पिता मेरे प्यारे बेटी बोतल कहां मान लो
दो बेची बोतल कहा मान लो वरना रह जाऊंगा मैं कहीं कहा नहीं और मेरा दिल चाहता है मैं पीता मेलों में फूल आना चाहिए दारू पियो या कुछ करो मुझसे कोई नहीं मतलब है बेटी चलो जी हाँ जी हाँ जब तुम दरुआ ही पिया करे हो गांड बड़े मालिक सागर ठकुराई नाराज होके चली गई सागर सिंह ठाकुर साहब आज लड़की का जन्मदिन है और फूल आना चाहिए मैं जा रहा हूँ सागर सिंह तुमको जाना ही पड़ेगा और इस बात का ध्यान रखना भूल मत जाना जाओगे लेकिन ध्यान रखना भूल मत जाना भूलेंगे नहीं और सागर सिंह तुम बात को फिर ना जाना भूल जाकर माली से कहो लेकर आए मैं थोड़ा स्नान करूंगा खाना खाऊंगा और फिर आज ठीक है ना उधर जाऊंगा और माली से कहूँ फौरन फूल लेकर माली के घर जा रहा हूँ बड़े माली और अगर स्नान नहीं करूंगा तो नशा उतरती नहीं जल्दी जल्दी लड़कन का जगाओ सब लोग खाना खाए करें इंतजाम मत चलो व्यवस्था करो चलो कुर्सी डालो और सबकी आज निमंत्रण है लेकिन न्योता कोई नहीं लिखा है जमींदार है न्योतक कोई जरूरत नहीं है और नहीं भांगी क्या मामला निकाल अब जूता भी हमारा बहुत सड़ी तुमका हम भांगी जमादार दिखाए हाँ, हाँ, तो आयो सबको सोए न जाए आयो हो तुमका दवाई पे रसगुल्ला हाँ
सब कोई आया भैया बर्थडे है ना, खुशी से खाना पानी खिलावा जी। ठीक है सब लोग शाम 7 बजे हवेली पर आ जाना, हवेली पे आ जाना। मालिक आता मैं ठाकुर का दोस्त हूँ, मेरा नाम है सागर सिंह। अच्छा तो तू आयो मेरे पास और भूले कर चलो ठाकुर तुम्हें बुला। इतना काहे नाराज हो माली? उसने नाराजगी का काम नहीं किया है, मेरी औरत के साथ ग्रह जबरन सलूक पेश करके उसे मार डाला। क्या कहा? वो उसने मार डाला मालिन को, मेरी मालिन को मारकर वो फिर तुम्हें मेरे पास। नहीं, हमको मालूम नहीं था। ठीक है, ठहरो ठहरो ठहरो, इस बात को हमको मालूम नहीं था कि तुम्हारी मालिन के साथ में बड़े मालिक बलात्कार किया है। हमको नहीं मालूम था, हम तो मालिक की सेवा में लगे थे, जन्मदिन में लगे थे और मालिन दरबार में रुक गई थी। जाओ उनसे कह देना कि तुम्हारी जरूरत है तो फोन लेने तुम स्वयं जाओगे। ठीक है, जाओ। बेटा
जो हम नदी में पाए थे, पढ़ाने के वास्ते मैंने भेजा था, पढ़ भी रहा है और सयाना भी हो गया है। अब उससे हम बुलवाते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं, उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी करेंगे। अरे बेटा रहम, यहाँ जाइए बेटा। और पिता चरण में आपके लाल झुकावे दे दिया। ईश्वर की अनुकंपा से तुम विद्यार्थी हो जाओगे, लेकिन अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ जरा मुझे भी बतलाओ। पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो? हाँ बेटा। ठीक है पिताजी, बैठ जाइए, मैं बताऊंगा। सुनिए पिताजी, ये इंटर में फर्स्ट आया हूँ, सुनिए पिता, फर्स्ट नंबर आया है, बीए का दाखिला मिल गया है, अब चाहता ये हूं कि आपने मेरी सेवा किया है, मुझे पाल पोस कर कितना सहना कर दिया है, पढ़ाया लिखाया है, तो मैं चाहता हूं कि अब मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं, इसलिए मुझे घर से छुट्टी दे दीजिए, मैं प्रदेश चला जाऊं। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी आंख से दूर जाने न दू, मैं तुझे आंख से दूर जाने न दूं, मेरी आंखों
मेरे बुढ़ापे का तू ही एक सहारा है, मेरे नैनों का तारा है। और यदि कहीं बाहर चला गया तो हम किसे देखेंगे बेटा, किसे देखेंगे? नहीं पिताजी, मेरी तो इच्छा ये थी कि अब आपको कमा कर खिलाऊं। ठीक है बेटा, तुम नहीं मानते हो, जिद करते हो, तो हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। या तो कोई मुझे काम सौंप दीजिए। मैं तुम्हारे वास्ते हम बॉम्बे के अंदर तुम्हारा एडमिशन करवाते हैं, तुम वहीं पर पढ़ोगे। बहुत अच्छी बात। और तुम्हारा फार्म मैं प्रयास करके पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म भरवा देंगे। ठीक है पिताजी, मैं पढ़ूंगा और जो बाकी समय बचेगा हाँ तो बगीचे का काम देखूंगा। बड़ी अच्छी बात, बुढ़े हो गए हो ना। हाँ बेटा, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। फुलवारी सींचना पड़ता है हाँ, तो वो कार जब मैं स्कूल से आऊंगा तो फुलवारी का काम देख लूंगा। कुछ काम सुबह देख लेना और कुछ शाम को देख लेना, बराबर दोनों काम चलते रहेंगे। समय पर पढ़ने जाना और समय पर वापस घर आना। बहुत अच्छी बात। जाइए बेटा, जाइए, विद्यार्थी हो जाओ बेटे। चलता हूँ, ये बात ठाकुर साहब से बताऊंगा कि माली फूल लाने से इनकार कर दिया और कहा है कि ठाकुर खुद आएंगे फूल लेने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़े मालिक मलिनिया के साथ में बलात्कार कर दिए, वो बहुत नाराज है। चलता हूँ, ठाकुर से बताऊंगा। सागर सिंह आ गए मालिक के वहां से, ठाकुर साहब बड़ा जुल्म भारी हुआ, ठाकुर साहब बड़ा जुल्म भारी हुआ, कर दिया मालिया ने सिंगार है और चल चल भंगा था। और चुप रहो, ये कहानी सुनाओ नहीं, चुप रहो तो कहां। चुप रहो ये कहानी सुनाओ नहीं, मुझको लूचा लफंगा कहा है जो वो, और चलो सागर सिंह चलते हैं उसके वहां। चलो सागर सिंह चलते हैं उसके वहां, खुद की आज होली खेलेंगे हम। राम जादे ने हमको गाली दी, लुच्चा ना पंगा कहा। हाँ ठाकुर सागर सिंह, हाँ चलो आज हम उसके वहां खून की होली खेलेंगे। सागर सिंह देरी ना करो, हमारे साथ न तुम वाली के यहाँ चलो, देखते हैं कितनी औकात है उस राम जादे की जो हमारे यहाँ आने से इनकार कर दिया। बड़े मालिक क्या है, गुस्सा तो उसी टाइम आया था कि नथु माली को समाप्त कर दूं। अच्छा, लेकिन आपका आदेश नहीं था, इसलिए चलता हूं तुम्हारे साथ नथु माली के पास। आज वो साला सब भूल जाएगा। चलो सागर सिंह आइए।